आइए फ्रेंड्स, तो अब तक हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें की है उनको रन करके देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया है इस वीडियो में। तो इस प्लेलिस्ट में अब तक हमने पिछले वीडियो में एक फ्रेम बनाई थी, उस पर फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर लिया था एम्प्लॉय की डिटेल को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्म बना लिया था। अब हम क्या चीज़ें करेंगे, तो जैसे मैं अब यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जैसे मैं आप यहाँ पर ऐड बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मैं ऐड बटन पर क्लिक करूंगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट फील्ड वगैरह में आई होगी उन सभी को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो ये एक्शन जो है मुझे ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद परफॉर्म करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे और डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज को किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्शन लिस्नर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो आपको पता ही होगा एक्शन लिस्नर जो है वो एक इंटरफेस है और उसको हमें इम्प्लीमेंट कर लेना पड़ता है जिस भी क्लास पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर एड एम्प्लॉय क्लास पर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एडिशनल लिसनर को, एक्शन लिसनर को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये मुझे एक एरर दे रहा है। तो यहाँ पर जिसे मैं इस बल्ब पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपको ओवरराइड करना होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर एंटर की जैसे ही प्रेस कर देता हूँ तो एरर गायब हो जाएगी और मेरी एक्शन परफॉर्म नाम की जो मेथड है वो मेथड ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। और अब सेकंड चीज मुझे क्या करना होता करना होगा, ये जो एड एम्प्लॉय नाम के बटन पर जो एड एक्शन लिसनर लगाया है जिसको मैंने कमेंट कर दिया था उसकी कमेंट को अनकमेंट कर दूंगा और बैक बटन के ऊपर भी एड एक्शन लिसनर लगा दूंगा ताकि इन बटन के क्लिक पर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसलिए इन बटनों के ऊपर मुझे एड एक्शन लिसनर लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बैक बटन के ऊपर भी एड एक्शन लिसनर को जो है वो लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों बटन पे मैंने एड एक्शन लिसनर को लगा दिया। अब नीचे आ जाते हैं और अपना जो एड एम्प्लॉय वाला जो बटन है तो यहाँ पर एम्प्लॉय लॉगिन वाले बटन पर भी बैक बटन पर भी मेरा एड एक्शन लिसनर लगाना रह गया था तो इसलिए मैंने वहां पर भी बटन लगा दिया। और एक्शन परफॉर्म जो मेथड है उसके अंदर जो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा होगा उस सबको मैंने यहाँ पर मिटा दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इफ एक्सप्रेशन लगाएंगे और यहाँ पर इसको बताएंगे कि ये जो ई वाला ऑब्जेक्ट है डॉट ई डॉट अगर कोई गेट सोर्स नाम का मेथड यूज करेंगे यानी कि एक्सटर्नल बटन पर अगर क्लिक होता है डबल इक्वल टू एड एम्प्लॉय बटन, तो एड एम्प्लॉय बटन पर अगर कोई क्लिक करे तो जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है वो एक्शन मैं यहाँ पर अब बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा आएगा उस डेटा को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना कर लेना होगा ताकि उसको मैं डेटाबेस में बाद में स्टोर कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे सारे डेटा टाइप सारे टेक्स्ट फील्ड के लिए एक 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 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो सबसे पहले नेम टेक्स्ट फील्ड के लिए मैं यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इज इक्वल टू नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, क्योंकि मुझे उस टेक्स्ट फील्ड से डेटा को क्या करना है, गेट करना है, इसलिए गेट टेक्स्ट फील्ड मेथड का यूज करेंगे। उसी तरह लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड के लिए भी लास्ट नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड से भी गेट टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह सारे सारे वेरिएबल्स के लिए यही चीज हम दोहराएंगे। ईमेल के लिए भी वही करेंगे, इम स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू ईमेल टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, ईमेल टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा, तो क्यों सजेशन नहीं दे रहा, हाँ अब आ चुका है। तो यहाँ पर गेट टेक्स्ट इससे भी कर लिया, ईमेल के टेक्स्ट फील्ड से भी टेक्स्ट को हमने गेट कर लिया है और वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसी तरीके से फोन टेक्स्ट फील्ड में से भी डेटा को गेट कर लेंगे और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज हमें बार बार करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड चीज, अब हमें एजुकेशन से डेटा को गेट करना है, ठीक है। तो गेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन का यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर शायद फोन टेक्स्ट फील्ड नहीं, अभी भी नहीं हुआ, फोन जे टेक्स्ट फील्ड नहीं है। यहाँ पर ऊपर आके देख लेते हैं एक बार कि कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन जे टेक्स्ट फील्ड नहीं है, ये टेक्स्ट फील्ड है। तो यहाँ पर फोन और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे एरर डिस्प्ले कर रहा है। एक बार ऊपर आके देख लेते हैं कि फोन वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, और मतलब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि नेम टेक्स्ट फील्ड नाम का ही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो फोन जे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर हो चुका है, इसलिए मुझे सजेशन में भी वही दे रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो जो जितने भी टेक्स्ट फील्ड है उन सभी का नाम नेम टेक्स्ट फील्ड में
मेरा चेंज करना रह गया था तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ईमेल टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। तो इसको भी हम ईमेल टेक्स्ट फील्ड से चेंज कर देंगे। टेक्स्ट फील्ड का हमने कॉपी पेस्ट किया था और उसको ऑब्जेक्ट नाम चेंज करना हमारा रह गया था, ठीक है। तो इसलिए मुझे एरर दे रहा था। अब इसको सारे टेक्स्ट फील्ड के नेम को हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फोन टेक्स्ट फील्ड का भी नाम जो था वो नेम टेक्स्ट फील्ड ही था, तो इसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए ये वैसे के वैसे रह गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर अब जो है वो गायब हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार चेक करने के लिए इस लाइन को थोड़ा थोड़ी देर तक रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको रिमूव करता हूँ और एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपने इस जावा की फाइल को रन किया और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो आउटपुट आ रहा है, किसी भी तरीके का एरर वगैरह जो है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें जैसी कि वैसी है, ठीक है। तो अब हमें अपना नेक्स्ट कोड आगे करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल से अपना जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि है एजुकेशन, उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको गेट करने के लिए क्या करेंगे, अब टेक्स्ट फील्ड नहीं यूज़ की थी हमने, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया था। तो कॉम्बो बॉक्स एजुकेशन डॉट गेट टेक्स्ट, सॉरी अब गेट टेस्ट नहीं आएगा, अब इस सिलेक्टेड नाम का मेथड, गेट गेट सिलेक्टेड आइटम नाम का मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बो बॉक्स है और कॉम्बो बॉक्स में जो आइटम सिलेक्ट होगा उसी को हमें गेट करना है, इसलिए गेट सिलेक्टेड आइटम हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है। तो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और हम इसको स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस एरर वाले पर बल्ब पर क्लिक कर देना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर टाइपकास्ट कर देगा ये स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और अब हम इसी तरीके से डेजिग्नेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, क्योंकि डेजिग्नेशन जो है वो भी हमने कॉम्बो बॉक्स ही ले लिया था। तो उसका भी हम मेथड यूज़ करेंगे गेट सिलेक्टेड आइटम, क्योंकि जो भी कॉम्बो बॉक्स में जो भी आइटम सिलेक्ट होगा उसी आइटम को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट किए हुए आइटम को गेट करना है, ठीक है। तो गेट सिलेक्टेड आइटम यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी एरर आ रहा है। तो एरर सेम एरर है ऊपर वाला की तरीके से, टाइपकास्ट करना पड़ेगा हमें इसको भी, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और हम इसी स्ट्रिंग में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें लेनी है वो रेडियो बटन से डेटा लेना है। तो रेडियो बटन से डेटा लेने के लिए फिर से हमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जेंडर के नेम से, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे नल। इसको नल इसलिए इनिशियलाइज किया है, अगर यूज़र उसको वहाँ पर ना मेल चूज करेगा, अगर फीमेल और मेल दोनों में से कोई भी चूज नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है नल स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और इफ कंडीशन यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी कि अगर वो रेडियो बटन ऑब्जेक्ट को अगर वहाँ पर क्लिक करता है, यानी कि रेडियो बटन मेल को अगर वो चेक करता है, हमने उसका नाम आर्मी मेल ले लिया था ऑब्जेक्ट का, तो आर्मी मेल डॉट इज सिलेक्टेड, अगर आरबी मेल इज सिलेक्टेड मेथड उस पर ऊपर लगाएंगे, अगर आरबी मेल अगर यूजर चूज करता है तो जेंडर की वैल्यू क्या हो जाए, मेल हो जाए, ठीक है। तो डबल कोट में यहाँ पर हम ले जेंडर इज इक्वल टू डबल कोट में क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू मेल कर देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से else if लगाएंगे, अगर यूजर वहाँ पर आरबी फीमेल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर वो फीमेल को चूज करता है जेंडर के हिसाब से, ठीक है, इज सिलेक्टेड, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, जेंडर की वैल्यू फीमेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू गेट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेटाबेस में ऐड करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो डेटाबेस में चीज़ों को ऐड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर हमारा एक फील्ड और रहेगा, तो ईमेल आईडी से हमें, सॉरी एम्प्लॉय आईडी से हमें डेटा क्या करना है, गेट करना रह गया था। तो एम्प्लॉय आईडी का वेरिएबल और उसके टेक्स्ट फील्ड, ईमेल एम्प्लॉय टेक्स्ट फील्ड, एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट फील्ड और गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हमारी सारी आटो के आटो जो फील्ड्स थी हमने उनको गेट कर लिया है एक वेरिएबल के अंदर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारे फील्ड को मैंने सारी फील्ड्स को मैंने क्या किया, ये इस तरीके से कोड करके वहाँ पर चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अब हमें एक जो है वो क्या करना होगा, रेडियो बटन को हमें, सॉरी रैंडम हमें एम्प्लॉय आईडी को जनरेट करना है, इसलिए रैंडम क्लास की हेल्प से हम उसको क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो उसके लिए रैंडम क्लास का यूज़ करेंगे और रैंडम नंबर नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है उसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है। तो रैंडम क्लास का यूज़ करके हम जनरेट करेंगे रैंडम एम्प्लॉय आईडी जो कि एक यूनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर रैंडम
सॉरी नंबर इज इक्वल टू न्यू रैंडम, रैंडम क्लास का यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं एक रैंडम नंबर। और अब क्या करेंगे, एक सबसे पहले इंट इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर जो है वो वैल्यू को हम स्टोर करेंगे और उसको पास कर देंगे उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इंट टाइप का मैं एक नंबर नाम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और नेक्स्ट इंट मेथड के हेल्प से जो है उस नंबर के अंदर वैल्यू जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर जो रैंडम नंबर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करेंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट इंट मेथड लगाएंगे और यहाँ पर 999 में पास कर दूंगा ताकि 0 से लेकर 9999 तक 99 ले लेंगे हम, 99999 जीरो से लेके जितने भी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी वो सारी रैंडम वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी और एक एक रैंडम वैल्यू जो है वो हम वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डबल कोट प्लस कॉन्केनेट करेंगे और उस नम नाम के वेरिएबल को जो है वो पास कर देंगे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट फील्ड में हमारा रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से रैंडम नंबर को जो है वो जनरेट किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।